हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मानसा। तो आज हमारे घर में नाश्ते में बन रहा है डोसा। तो ये मैं आटे से डोसा बना रही हूँ, गेहूं के आटे से। तो हमारे घर में गेहूं के आटे से रोटियाँ बहुत कम बनती हैं और ये डोसा बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि हमारे बच्चों को ये मसाला डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है। हम इसे मसाला डोसा कहते हैं। इसमें मैंने नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा सूजी डाला है। इन चीज़ों से मसाला डोसा बनाया जाता है। तो देखो मसाला डोसा कैसे बन रहा है। इसे ना हम चटनी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ज़्यादातर हम चाय के साथ खाते हैं इसे। कभी चटनी बनाने की टाइम नहीं हो तो हम चाय बनाते हैं, चाय के साथ ये डोसे को खा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे बच्चे पी रहे हैं गरम पानी। मैंने इनको नाश्ता देने से पहले गरम पानी दिया है। गरम पानी देखो बहुत ज़बरदस्ती पी रहे हैं। आजकल ना गरम पानी पीना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में सब लोग गरम पानी पीते हैं। उसके बाद मैंने इनको नाश्ता दिया है। तो देखो नाश्ते में इडली और डोसा। तो देखो ये अक्षत है और ये कीर्तना है। अक्षत तो सिर्फ डोसा खा रहे हैं और ये कीर्तना डोसा और एक इडली। मैंने दिया है इडली, डांट कर दिया है, नहीं इडली भी खाओ करके। तो खा रही है, यहाँ पे खेल रहे हैं। लेकिन ये लोग ऐसे मतलब शांत से खेलने वाले नहीं हैं, खेलते हैं और बाद में बहुत झगड़ते हैं। खेल खेल में झगड़ते हो और बाद में फिर मिलकर खेलते हैं। तो ये दोनों हमारे घर में टॉम एंड जेरी हैं। टॉम एंड जेरी के तरह ही हैं लोग। तो ये इस खेल को ना हम तुक्कड़ बिल्ला कहते हैं हिंदी में। इसे पता नहीं मुझे क्या कहते हैं। तो देखो बचपन की यादें, हम भी बचपन में खेला करते थे। तो देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, कीर्तना को तंग करता है ये। बारिश हो रही थी दोपहर में, बहुत ही अच्छी नज़ारा थी। तो मैंने इसे भी वीडियो में डाल ली, बारिश का मतलब बारिश को देखना अच्छा लगता है। इधर देखो बारिश में खेल रहा है अक्षत, मुझे देखकर भाग रहा है। तो ठंडा ठंडा मौसम था, इसीलिए कुछ गर्म खाने को मन कर रहा था। मैं यहाँ बना रही हूँ बेसन का बोंडा। इसके लिए मैंने तेल को गर्म करने के लिए रखा है। ये मेरा छोटा सा कढ़ाई, कैसे लगी आपको? ये बड़े कढ़ाई है, लेकिन क्या करें, ऐसे जब शाम के वक्त कुछ स्नैक्स के रूप में ये जब बनाते हैं ना, तो छोटा कढ़ाई हो तो अच्छा होता है। तेल भी कम लगता है और हमारा मतलब जो भी बनाने का रहता ना वो भी बन जाता है। तो जो पहला वाला होता है मतलब तेल गर्म हुआ कि नहीं ये देखने के लिए, मैंने एक ऐसे ही डाला है। तो इसे मैं निकाल कर यहाँ पे रखती हूँ। ये मैं मतलब जो तेल से डीप फ्राई जो भी करती हूँ तो मैं वैसे ही करती हूँ। पहले वाला निकाल के ऐसे गैस के ऊपर रख देती हूँ। तो मैं इस बेसन के बोंडे के लिए इसमें मैंने नमक, लाल मिर्च और अजवाइन और थोड़ा मीठा सोडा डाला है। चाहे तो आप प्याज डाल सकते हो लाल मिर्च की जगह, आप हरी मिर्च डाल सकते हो, धनिया डाल सकते हो, धनिया मतलब हरी धनिया, आपकी मर्ज़ी। लेकिन हमारे बच्चे जो है ना ये सब खाते नहीं हैं, निकाल के रख देते हैं, बिल्कुल खाते नहीं हैं। इसीलिए मैंने ऐसे सिंपल प्लेन बनाया है, लेकिन इसका भी स्वाद बहुत अच्छा होता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो देखो ये बोंडे कैसे बन रहा है। पता नहीं इसे आप लोग क्या कहते हैं, लेकिन हमारी भाषा में तो हम इसे बोंडा बोंडा बोल सकते हैं, बज्जी बोल सकते हैं। हम लोग शेंगा पिंडी बज्जीलू बोलते हैं। शेंगा पिंडी मतलब बेसन,
ऐसा होता है। तो देखो कैसा बन रहा है, बिल्कुल बोंडे की तरह, लेकिन मतलब गोल गोल तो नहीं बना है, मतलब टेस्ट ना बोंडे की तरह ही होती है। अच्छे से अंदर से ना पका होना चाहिए, तभी इसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो देखो ये मेरा बेसन का बोंडा बनकर तैयार है। इससे आप टमाटो सॉस से खा सकते हो या पल्ली की चटनी बना के भी खा सकते हो। देखो अंदर से कितना अच्छे से पका है ये। तो बनकर ये मेरा बोंडा तैयार है।